आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 का ऑल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो इसका इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला का डिस्कशन नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला का डिस्कशन को देख सकते हैं ताकि आपको यह चैप्टर समझने में आसानी हो सके। तो चलिए इस एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1-5 फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऑफ द फ्लोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब ये एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स होता है क्या कि बिना आप लोग इंटीग्रेशन का साइन यूज किए हुए आप लोग इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है इसमें साइन 2x। तो हम लोग ये डेरिवेटिव दिया हुआ कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ साइन 2x, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा गया। तो आप लोग को इस प्रकार से इसमें सोचना है कि साइन जो होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है। तो साइन जो होता है वो डेरिवेटिव कॉस का होता है। तो हम लोग यहाँ से इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग अंदाज़ा लगा लगा के इसके एंटी डेरिवेटिव तक पहुँचे। तो साइन 2x है तो साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है तो कॉस का होता है। मतलब कॉस का अगर हम लोग डेरिवेटिव किए होंगे डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो साइन माया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज लेंगे डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आएगा कॉस 2x का क्या होता है कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। यहाँ पे 2x है तो 2x चेन रूल चला तो x का जगह पे कौन लिया था x का जगह पे कौन है तो 2x। तो 2x को हम लोग फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब 2x को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा डेरिवेटिव 2 आएगा। तो माइनस साइन 2x इंटू क्या हो गया 2 हो गया। तो देख सकते हैं कि लेकिन हमें किसका एंटी डेरिवेटिव लाना था तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव लाना था लेकिन यहाँ पे आ चुका है माइनस साइन 2x इंटू 2 आ चुका है। तो लेकिन तो यहाँ पे सिर्फ साइन 2x था तो ये माइनस जो है कहाँ पे चला जाएगा इसके डिफ्रेंशिएशन में चला जाएगा माइनस फिर ये 2 इंटू में है इधर आया तो क्या चीज हो गया डिवाइड में। तो अब यहाँ तो इस साइड अब क्या बचा सिर्फ साइन 2x बचा। तो अब हम बोल सकते हैं कि यदि हम लोग कोई फंक्शन रहा होगा माइनस कॉस 2x बाय 2 अगर उसका डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो आया होगा क्या चीज साइन 2x। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया साइन 2x किसका एंटी डेरिवेटिव है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन है तो माइनस कॉस 2x बाय 2। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x बाय 2 हो गया। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में ये आप लोग को सोचना पड़ेगा कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से अंदाज़ा लगा लगा के आप लोग इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इंस्पेक्शन में आप लोग का इंटीग्रेशन के साइन का यूज नहीं करना है। उसके बाद जब आप लोग को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आगे जब पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तो उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला का डिस्कशन किए थे उस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कॉस 3x। तो कॉस 3x है तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। कॉस 3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा तो कॉस किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो साइन का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे साइन ले लेंगे। तो साइन 3x साइन 3x का डिफ्रेंशिएट किए तो आ गया कॉस 3x और फिर ये x का जगह पे कौन लिए हुए 3x लिए हुए। तो 3x लिए हुए तो 3x का फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन हमें एंटी डेरिवेटिव किसका निकालना था कॉस 3x। तो ये 3 इधर है तो इधर आ गया तो क्या चीज हो गया डिवाइड में चला गया। तो इस साइड क्या बचा कॉस 3x बचा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस 3x का एंटी डेरिवेटिव होगा जो होगा कौन होगा साइन 3x। मतलब अलग तरह से बोले तो साइन 3x बाय 3 का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट किए होंगे इस फंक्शन का तो आंसर आया होगा कॉस 3x। तो हो गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x इज 1/3 साइन 3x। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया e^2x। इसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव। मतलब कोई फंक्शन रहा होगा जिसका कि डेरिवेटिव e^2x है तो यह डेरिवेटिव जो है किस फंक्शन का है डेरिवेटिव उसी को तो हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। वही हम लोग को फंक्शन निकालना है ये किस फंक्शन पे e^2x आया होगा। मतलब कि एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है e^2x का। तो अब फार्मूला में हम लोग
पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला में कि e टू दी पावर x होता है यदि कोई फंक्शन है, अगर उसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे पावर चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो e टू दी पावर x ही हो जाता है। ये चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग को मालूम है कि e के पावर अगर कुछ भी फंक्शन कुछ भी रहता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वही फंक्शन हो जाता है सेम टू सेम। तो e टू दी पावर 2x जो यहाँ पे डेरिवेटिव आया होगा ये किसका, इसका फंक्शन कौन सा रहा होगा, e के पावर में ही रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो यहाँ पे पावर है वही पावर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो e टू दी पावर 2x हम मान लीजिए वो फंक्शन है, तो e टू दी पावर 2x का जब डेरिवेटिव निकालें तो e टू दी पावर 2x और x का जगह कौन लिए हुए है, तो 2x जो x का जगह ले लेता है उसका हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका 2x का हम लोग डिफ्रेंशिएट फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को जो एंटी डेरिवेटिव पता लग करना था वो किस फंक्शन का पता करना था, e टू दी पावर 2x का। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया है, तो ये मल्टीप्लाई का जो 2 है इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या बचा, e टू दी पावर 2x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि e टू दी पावर 2x जो डेरिवेटिव है ये किस फंक्शन पे रहा होगा, e टू दी पावर 2x बाय 2 पे रहा होगा। तो यही तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, e टू दी पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव कौन हो गया, e टू दी पावर 2x बाय 2। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x इज e टू दी पावर 2x बाय 2। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के द्वारा किसी भी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। उसी तरह से देख सकते हैं कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स प्लस बी का पावर जो दिया गया है 2 दिया गया है, स्क्वायर दिया गया, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर दिया गया होल में। तो इसका बोला गया एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लोग फिर उसी चीज़ को सोचेंगे कि ए एक्स प्लस बी का जो स्क्वायर डेरिवेटिव जो आया हो किस फंक्शन पे आया होगा। तो आप यहाँ से हम लोग एक चीज़ पता कर सकते हैं कि जैसे कि डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे फार्मूला डी एक्स टू दी पावर एन, अगर इसका हमें क्या निकालना हो, डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये है कि जब हम लोग कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका जितना भी पावर होता है उसमें से एक पावर वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो रहा होगा कि मतलब जो भी डिफरेंस जो भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो जो भी जितना पावर होगा उसका एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कॉन्स्टेंट में क्या चल रहा है वो बाद में देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ 3 था तो यहाँ 2 हो गया डेरिवेटिव निकालने पर, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 5 रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पावर एक कम जा रहा है। तो हम इसका उल्टा भी, इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि मतलब जब ये डेरिवेटिव इसका 3x स्क्वायर आया है तो इसका जो डेरिवेटिव जिस फंक्शन पे ये डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आया है उसमें एक पावर इससे ज़्यादा रह गया होगा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आ गया होगा, 3 आ गया होगा। तो ये तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तब तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, तो जो फंक्शन रहा होगा, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाता है। तो डेरिवेटिव से अगर हम फंक्शन की ओर चलें तो एक पावर इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शन का ये डेरिवेटिव रहा होगा उसमें उसका पावर कितना रहा होगा, 2 नहीं उससे एक ज़्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस फंक्शन का हो सकता है, धीरे धीरे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। तो ए एक्स प्लस बी का क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। इसका पावर 2 था तो फंक्शन पे गए तो पावर एक बढ़ गया, और जब फंक्शन से डेरिवेटिव पे जाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग डेरिवेटिव से फंक्शन की ओर चल रहे हैं तो एक पावर यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे हो गया ए एक्स प्लस बी का पावर कितना हो गया, क्यूब हो गया। तो अब इसका हम लोग जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होता है, डी एक्स टू दी पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 ए एक्स प्लस बी, इसका पावर एक कम गया तो 2 हो गया। लेकिन एक्स का जगह कौन लिया, जैसे यहाँ पे एक्स था, इस एक्स का जगह कौन लिया, ए एक्स प्लस बी लिया। जब ए एक्स प्लस बी इस एक्स का जगह लिया तो उसका हम लोग चेन रूल में फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी का हम लोग फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए भी कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो गया, ए इंटू 1, तो यहाँ पे लास्ट मल्टीप्लाई चेन रूल में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फिर देख रहे हैं, लेकिन हमें तो फाइंड करना था 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए एक्स्ट्रा रहा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, LHS के साइड चला जाएगा। LHS के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में है, इधर इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो इधर क्या बचा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बचा।
तो हमें तो यही तो फाइंड करना था, लास्टली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है किसका किस फंक्शन पर डेरिवेटिव रहा होगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय 3a पे, तो वही तो इसका फिर एंटी डेरिवेटिव भी हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए एक्स प्लस बी का क्यूब बाय 3a। इसका ये बाय इंस्पेक्शन के द्वारा मेथड के द्वारा हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव को फाइंड कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन तो फाइंड एंटी डेरिवेटिव तो फाइंड कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम लोग एंटी डेरिवेटिव तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, वो भी सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शन दिया गया है। तो हम लोग बारी बारी से इसका एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे और वो भी किस मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड करना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड करेंगे तो साइन 2x का तो इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन में देख चुके थे किस प्रकार से इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो साइन 2x ये तो डेरिवेटिव है, तो साइन x जो होता है साइन के फॉर्म में जो डेरिवेटिव होता है, साइन किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस का होता है। तो हम लोग साइन 2x है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 2x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस 2x का क्या आएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, लेकिन हमें सिर्फ साइन 2x का चाहिए तो माइनस बी एल एच एस की तरफ आ जाएगा और 2b इधर आ जाएगा। जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, साइन 2x बचेगा। जब साइन 2x बचेगा तो हम क्या हुआ, तो साइन 2x इससे क्या पता चला, साइन 2x किस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव रहा होगा, तो माइनस कॉस 2x बाय 2 का रहा होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसका तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस कॉस 2x बाय 2। इस चीज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमें साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो सिर्फ हमें साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड हुआ तो फिर हम लोग 4e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके इसका आंसर को एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला जो यहाँ पे है माइनस 4e टू द पावर 3x का किस प्रकार से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि ना 4e टू द पावर 3x बचा हुआ था, तो 4e टू द पावर 3x बचा हुआ था तो 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट था, इसी कारण हम लोग किसको लिए, e टू द पावर 3x लिए। तो e टू द पावर 3x का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है कि e टू द पावर 3x में किसका किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, पहले ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये किसका होता है, e टू द पावर 3x है तो e टू द पावर x के फॉर्म में ही रहेगा। तो इस फंक्शन में तो हम लोग क्या लिख दिए हैं, डी ई टू द पावर 3x बाय dx। तो अब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 3x, लेकिन x की जगह कौन लिया था, 3x। तो इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3 आएगा, तो इनटू में ये 3 चला आया। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 तो हमें एंटी डेरिवेटिव जो फाइंड करना था सिर्फ इस फंक्शन का फाइंड करना था, ई टू द पावर 3x का फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, 3x आ चुका है। तो ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या चीज़, ई टू द पावर 3x बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि e टू द पावर 3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, e टू द पावर 3x बाय 3, और यही e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव भी कौन हो गया, यही हो गया e टू द पावर 3x बाय 3। तो अब हम लोग को दोनों चीज दोनों फंक्शन का पता चल चुका है एंटी डेरिवेटिव, एक पता करना था साइन 2x का, उसका भी पता चल चुका है, और 4e टू द पावर 3x का फाइंड करना था वो भी फाइंड हो चुका है। तो इससे हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए, दोनों इक्वेशन को आप लोग हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी फाइंड विगेट क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस 4e टू द पावर 3x बाय 3, यहाँ से हम लोग लिए, अब दोनों को मिला दिए तो क्या आ गया, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, और इसी का तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इसी का फंक्शन हो जाता है। तो माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस 4e टू द पावर 3x बाय 3 इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो ये आप लोग का था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फाइंड करना था एंटी डेरिवेटिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि अगला को जो क्वेश्चन दिया गया उसके लिए डायरेक्शन दे दिया गया कि मतलब किस तरह से हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 to 22, फाइंड द फॉलोइंग इंटेग्रल्स, मतलब यहाँ पे हम लोग को इंटेग्रल फाइंड करना है, मतलब वही चीज़ हुआ, इंटेग्रल बोले एंटी डेरिवेटिव बोले या फिर प्रिमिटिव बोले, सारा एक ही टर्म है। तो अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना या फिर किस मेथड से करना है, तो हम लोग को बोला जब नहीं गया तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना, तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का यूज करेंगे जो प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किए थे, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट जो है इसका जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं, किसे का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन करना है इसका 4e^3x + 1 एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग इसका मान लेते हैं ये वाई इक्वल टू 4e^3x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो अब बताए थे कि जब दो फंक्शन एक साथ रहेगा इंटीग्रेशन में, तो हम लोग उस दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4e^3x है एक टर्म, दूसरा टर्म क्या है 1 है, दोनों को हम लोग सेपरेट अलग अलग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग अलग अलग करें तभी सॉल्व करेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत है तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, तो हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा तरीका से होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इस दोनों को दोनों टर्म को अलग अलग कर लिए। तो अब अलग अलग टर्म करने के बाद इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म था, प्रॉपर्टी थ्योरम जो था उसी में बता दिया गया था, अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा, e^3x + फिर यहाँ पे 1 है, इसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल निकालना है इसका x के रिस्पेक्ट में। तो e^3x है, तो e^3x का क्या हो जाएगा, अगर 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e^3x का इंटीग्रल जो होगा e^3x ही होगा, लेकिन x का जगह कौन लिया है, 3 लिया है। तो 3 लिया तो डिफ्रेंसिएशन में इंटूम हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि 3x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो डिवाइड में 3 तो आ गया, लेकिन ये तभी सही होगा जब ये कांस्टेंट टर्म हो। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएबल टर्म आ जाएगा तो फिर यहाँ पे हम इस प्रकार से इसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3x का हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए, तो 3 आया, तो 3 यहाँ पे डिवाइड में चला आया, लेकिन यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता, तो उसका एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता, 2x आता, तो 2x यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते, वो गलत हो जाता। तो हमेशा याद रखना एक टर्म कि जब भी डिवाइड में आए तो वो हमेशा कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे किए तो e^3x का e^3x हो गया, x का जगह कौन लिया था, 3x का डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आया, 3 आया, उसको हम इंटू में नहीं लेना है, इंटीग्रेशन में क्या चीज लेना है, डिवाइड में ले लिए। 1 का जो होता है इंटीग्रल जो होता है x होता है, यहाँ पे x हो गया। और लास्ट में बोले थे कि मतलब ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट c देंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो रहा होगा, मतलब ये फंक्शन जो जिस फंक्शन पे ये 4e^3x + 1 डेरिवेटिव आया होगा वहाँ पे कांस्टेंट क्या रहा होगा, तो कांस्टेंट नहीं मालूम है। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, सी दे देंगे। तो 4e^3x + 1 का जो इंटीग्रल आया क्या आया, 4e^3x/3 + x + c। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx, इसका इंटीग्रल निकालना। तो इंटीग्रल निकालना, तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू इसको लेट कर लिए, x² 1 - 1/x² dx का। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं कि ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल इसका इंटीग्रेशन का जाने नहीं कि किस प्रकार से इसका प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा, जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते थे। तो हम लोग क्या करेंगे इससे जो है, लेकिन ये अल्जेब्रा के फॉर्म, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर रहता, प्लस रहता या फिर माइनस रहता, सेपरेट करके हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था उस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे प्लस था तो क्या किया, प्रत्येक टर्म को अलग अलग कर लिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लिए। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन का पढ़े नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि इसका सॉल्व हो जाए। तो एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है, तो ये फिर तो यहाँ पर जो भी टर्म आएगा वो प्लस माइनस में आ जाएगा, फिर उसे हम सेपरेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को जब 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया क्या चीज़, -1। और इसका इंटीग्रेशन अब क्या किसका करना, x² - 1 का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देख सकते हैं कि इसे सेपरेट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह अलग अलग, या फिर एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं, फिर भी इसका आंसर सेम ही है, इसमें इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। तो x² है तो x² का है, तो x^n का इंटीग्रल जो होता है वो फॉर्मूला होता है x^n + 1/n + 1। तो यहाँ पावर 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगा, +2 + 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ नीचे में भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे x हो गया और प्लस क्या हो गया, c। तो इसका आंसर जो हो गया x³/3 - x + c हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई इक्वल टू हम फंक्शन इसको लेट कर दिए। वाई फंक्शन लेट करने के बाद अब इसे जितना भी टर्म है इस फंक्शन में सभी टर्म को सेपरेट भी कर सकते हैं, उसके बाद इंटीग्रल इसका करेंगे निकालेंगे, लेकिन एक साथ भी है तो हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। तो इस टर्म को अलग कर लीजिए, इस टर्म को अलग कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है सी है, तो इस टर्म को अलग कर देते हैं। तो इसी में हम लोग एक ही में फाइंड करते हैं, तो देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ए जो है यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स टू द पावर एन जो रहता है उसमें प्लस वन ऐड हो जाता है फॉर्मूला में, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, जो ऊपर चल रहा है वो फिर कहाँ पर आ जाता है, एन प्लस वन डिवाइड में आ जाता है, तो बाय थ्री हो गया। फिर यहाँ पे बी एक्स है तो बी कॉन्स्टेंट का काम करेगा, बी बाहर आ गया, यहाँ पावर कुछ नहीं तो वन है, तो वन में प्लस वन किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब बाय ऊपर में टू था तो नीचे भी क्या हो गया टू आ गया। फिर सी था तो कॉन्स्टेंट टर्म है और तो सी बाहर हो गया, इसके साथ कुछ नहीं तो वन है, तो वन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या बोले थे कॉन्स्टेंट टर्म सी अपने मन से देना, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसमें हम लोग को कॉन्स्टेंट पता नहीं चल पाता कि कौन सा कॉन्स्टेंट रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ और यहाँ पे है कि यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे ए जो है कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, ये इसका हम लोग इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स के अलावा जो भी टर्म यहाँ पर होगा वो सारा कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे ए था, बी था, सी था, ये सारा क्या चीज़ का काम करेगा, कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो कॉन्स्टेंट हो गया, इसका ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग सेपरेट टर्म भी कर सकते हैं या फिर इसी को में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो टू को बाहर कर दिए, एक्स टू द पावर टू है तो एक्स टू द पावर टू है तो एक्स टू द पावर एन हो गया, तो एन प्लस वन हो जाएगा, तो टू प्लस वन हो गया तो कितना हो गया थ्री हो गया, अब बाय एन प्लस वन होता है तो टू प्लस वन यहाँ भी क्या हो गया थ्री हो गया। और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ई टू द पावर एक्स होता है और प्लस सी यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक इस तरह सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं किस प्रकार से वो सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो देख सकते हैं ये इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला पे है। तो पहले फार्मूला इस फंक्शन इस टर्म को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे किस फार्मूला पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो मालूम ही होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये ए का वर्क कर रहा है रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स बी का वर्क कर रहा है, वही फार्मूला पे से ब्रेक कर देते हैं। तो ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस टू ए बी तो माइनस टू ए का काम कर रहा है रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिए इन टू बी, तो बी का वर्क कर रहा है कौन सा, वन बाय रूट एक्स तो वन बाय रूट एक्स। तो सिर्फ हम इस जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को हम लोग सिर्फ क्या करें सिंप्लीफाई के फॉर्म में करें ताकि हम लोग को आसानी से इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो सके। तो रूट एक्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स हो गया, वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया वन बाय एक्स हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया तो बचा माइनस टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे कर सकते हैं। तो एक्स है तो यहाँ एक्स का कुछ नहीं पावर है तो वन है, तो पता है कि एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो एन प्लस वन हो गया, तो वन प्लस वन हो गया तो क्या हो गया टू, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और एन प्लस बाय एन प्लस वन होता है तो वन प्लस वन तो क्या हो गया यहाँ पे बाय टू हो गया। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है लॉग होता है मॉड में एक्स होता है। और यहाँ पे माइनस टू और यहाँ इसके साथ कुछ माइनस टू है तो माइनस टू है तो क्या हो गया माइनस टू बाहर आ गया। और क्या था वो, अब फिर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन यदि डी एक्स का करते हैं तो क्या हो जाता है इसका एक्स आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया एक्स आ गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड में दिया गया, तो क्वेश्चन रूल में हम लोग ऐसा तो अभी तक पढ़े नहीं कि यहाँ पे किस प्रकार से इसमें डिवाइड का अगर रहेगा तो डिवाइड का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, इसका तो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। तो पहले हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में लाएंगे कि मतलब सेपरेट टर्म हो जाए और सेपरेट होने के बाद हम इसका आसानी से एक एक टर्म का क्या कर लें इंटीग्रेशन निकाल लें। तो दिया हुआ एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर, तो जितना भी है सबको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर सेपरेट सबको करेंगे तो फाइव एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर। तो वही वर्क यहाँ पे देख सकते हैं एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर की है। तो आप देख सकते हैं कि बेस जब सेम रहता है तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, पावर एंड इंडिसेस पढ़ना रहता है। तो
ए टू दी पावर एम बाय ए टू दी पावर एन। यहाँ पे बेस यदि सेम रहा अगर और ये डिवाइड में है तो पावर इसका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ए टू दी पावर एम माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा। उसी प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, बेस सेम है दोनों का, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो पावर इस दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थ्री में से टू पावर चला गया तो कितना पावर बचा, वन, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, वन लिख दिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, फाइव बचा, माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एक्स का यदि हम लोग क्या करें, एक्स का यदि हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स टू दी पावर वन, एन के जगह पे क्वेश्चन है तो क्या है, वन है, तो क्या करेंगे, एन प्लस वन, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, अब बाय एन प्लस वन, तो वन प्लस वन क्या हो गया, बाय टू हो गया। तो फाइव है तो फाइव तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइव का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव है, तो फाइव तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर इस फॉर्म में बचेगा कुछ नहीं है, तो वन है और डी एक्स है, तो और इसका तो फॉर्मूला हम लोग आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, कि वन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, एन के जगह पे क्या है, जीरो, और एन प्लस वन होगा तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वन, अब यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे में है भी है वन, ऊपर वन है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, वन, इसी कारण यहाँ पे फाइव एक्स हो गया। फिर माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, फोर जो यहाँ पर है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसे हम अलग करके अगर आप लोग को बताएं, जैसे माइनस फोर बाय एक्स स्क्वायर है, अगर इसका इंटीग्रेशन लेना चाहें तो इंटीग्रेशन लेना चाहें तो किस प्रकार से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि माइनस फोर तो कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर हो गया, फिर यहाँ पे बचा वन बाय एक्स स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना तो एक्स स्क्वायर है नीचे में, अगर ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू हो गया, माइनस टू जब इसका हो गया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पावर क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन और प्लस वन, तो एक्स टू दी पावर माइनस टू और प्लस वन, तो क्या हो गया, माइनस वन, और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस वन, तो पहले से क्या था यहाँ पे, माइनस फोर था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइन फोर एक्स टू दी पावर वन, एक्स टू दी पावर वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया फोर बाय एक्स। लेकिन हम लोग जनरली आप लोग को ये मतलब बोले थे याद ही कर लेना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा टर्म आएगा तो आप लोग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि वन बाय एक्स स्क्वायर है, तो वन बाय एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका डायरेक्ट हम लोग क्या याद रखेंगे, माइनस वन बाय एक्स, तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो वन तो फोर तो कॉन्स्टेंट था, माइनस फोर बाहर आ गया, लेकिन वन बाय एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखें, माइनस वन बाय एक्स, माइनस फोर इंटू माइनस वन बाय एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो फोर बाय क्या हो गया, एक्स, और लास्ट में सी तो लगाना ही का है कि कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाय रूट एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन को हम y इक्वल टू ये फंक्शन हम मान लेते हैं, इंटीग्रेशन मान लेते हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर बाय रूट एक्स, इसका इंटीग्रल करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन रूल तो यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे, मतलब क्वेश्चन रूल का कोई तो फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े नहीं है, यू बाई वी के फॉर्म में जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको सेपरेट करके एक टर्म में बनाएंगे, ताकि सभी टर्म को सेपरेट करके हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो देख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू बाय रूट एक्स प्लस थ्री एक्स बाय रूट एक्स प्लस फोर बाय रूट एक्स। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सिंगल टर्म में इसे लिख के दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब बाय रूट एक्स है, तो इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ रूट में है, तो रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू होता है, तो पावर वन बाय टू कर दिए, यहाँ बेस दोनों का सेम है, जब बेस दोनों का सेम है तो क्या करेंगे, पावर आपस में माइनस हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, ए बाय एम ए टू दी पावर एम बाय ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए टू दी पावर एम माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं वही है कि बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन बाय टू हो गया, तो वही लिखा गया एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन, एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन बाय टू। फिर उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं थ्री दोनों का बेस सेम है, और यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर वन बाय टू, ऊपर कुछ नहीं पावर तो वन है, तो वन माइनस वन बाय टू हो गया। फोर है एक्स, और ये पावर इसको एक्स टू दी पावर वन बाय टू है, जैसे कि इस फॉर्म में है, एक्स टू दी रूट्स हटाएंगे तो रूट्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर वन बाय टू, और एक्स टू दी पावर वन बाय टू है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, कोई भी पावर रहेगा अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर नीचे लाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में से सिंप्लीफाई कर दिए ताकि हम लोग को आसानी से सॉल्व करने में आसानी हो, फार्मूला लगाने में यहाँ पर। अब थ्री माइनस वन बाय टू को सॉल्व किए तो एक्स टू दी पावर फाइव बाय टू हो गया, वन माइनस वन बाय टू हुआ तो थ्री एक्स टू दी पावर वन बाय टू हो गया, फोर एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू हो गया। इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अब ये फॉर्म किस फॉर्म हो गया, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है
टी, एस टू द पावर एन है तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस टू द पावर एन प्लस वन का, एस टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, थ्री एक्स टू द पावर एन है तो प्लस वन कर दिए, नीचे भी एन प्लस वन कर दिए, थ्री फोर एक्स टू द पावर एन यहाँ पे है प्लस वन कर दिए, यहाँ भी क्या कर दिए प्लस वन कर दिए, लास्ट में क्या करना है सी लगा देना है। अब क्या है इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फाइव बाय टू अब प्लस वन करेंगे तो सेवन बाय टू आएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो टू बाय सेवन हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे फाइव बाय टू प्लस वन क्या हो जाएगा सेवन बाय टू हो जाएगा, एस टू द पावर सेवन बाय टू, यहाँ पे आएगा थ्री बाय टू, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा टू बाय थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री एक्स है और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थ्री बाय टू हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे है, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे उसी तरह से यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे, तो फोर एक्स माइनस वन बाय टू प्लस वन करेंगे तो वन बाय टू, और नीचे माइनस वन बाय टू प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाय टू, और यहाँ सी है तो यहाँ पे सी, टू बाय सेवन एक्स टू द पावर सेवन बाय टू प्लस थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू एक्स टू द पावर थ्री बाय टू प्लस ये टू ऊपर चला जाएगा तो फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एट हो जाएगा, एक्स है तो वन बाय टू हो गया प्लस सी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन किस तरह से सॉल्व होगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, इसका इंटीग्रल करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये भी देख सकते हैं डिवाइड है, तो डिवाइड वाला तो हम लोग कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं, क्वेश्चन रूल तो पढ़े नहीं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में जैसे था यू बाय वी का फॉर्मूला लगता था, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सबका सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट करेंगे कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, इस दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ क्या बचा वन, तो एक्स माइनस वन हो गया। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस वन तो ले ही सकते हैं, प्लस वन मान लिए दोनों में कॉमन है तो एक्स माइनस वन, अब यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ क्या बचा एक्स माइनस वन, और नीचे में क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसे देख सकते हैं इससे आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं, तो एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म है तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, तो एक्स टू दी पावर थ्री हो गया बाय थ्री हो गया, और वन का क्या हो गया एक्स हो गया प्लस सी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री देख सकते हैं आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में है, उसके बाद रूट एक्स मल्टीप्लाई का फॉर्म दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रूल तो अभी तक यहाँ पे हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो कैसे इसे फाइंड करेंगे, तो इसे एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म ले आए, उसके बाद ये सिंगल सिंगल टर्म में आएगा तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में तभी तक यहाँ तक इंटीग्रेशन तो बताया नहीं गया, तो जो हम यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाया जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में लगाते थे, तो अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, वन को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स आएगा, और फिर जब एक्स रूट एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, एक्स इंटू रूट एक्स हो गया। अब देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है पावर वन बाय टू, जब रूट हटाएंगे तो हम लोग रूट के जगह पे क्या दे सकते हैं पावर वन बाय टू दे सकते हैं, तो रूट के जगह पे हम लोग क्या दिए पावर वन बाय टू, और इसका पावर क्या है, इसका पावर कुछ नहीं तो वन है, और यहाँ पे क्या हो गया पावर वन बाय टू हो गया। अब ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाता है, तो यहाँ भी बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो गया, इसका वन इसका कितना हो गया वन बाय टू, दोनों को ऐड कर दिए तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री बाय टू आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन एन के जगह पे वन बाय टू, और जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू दी पावर एन का तो एक्स टू दी पावर एन प्लस क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो वन बाय टू प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन तो वन बाय टू प्लस क्या हो गया वन हो गया, माइनस यहाँ भी क्या करेंगे थ्री बाय टू, तो दोनों को ऐड करके आया ही था तो एन प्लस वन हो गया, एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस वन, नीचे भी क्या हो जाएगा थ्री बाय टू प्लस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे थ्री बाय टू आएगा, लेकिन ये जब ऊपर चला जाएगा तो टू बाय थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स टू दी पावर थ्री बाय टू, फिर इसे जब ऐड करेंगे तो फाइव बाय टू आएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो टू बाय फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव बाय टू, और प्लस लास्ट में सी तो देना ही है क्योंकि ये इंटीग्रल कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंट इसका पता नहीं चलता है कि ये किस जब फंक्शन लिया होगा तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में दिया गया है रूट एक्स ब्रैकेट में है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के फॉर्म है, प्रोडक्ट के फॉर्म है, और प्रोडक्ट रूल का तो कोई फॉर्मूला अभी तक
पढ़े नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यह ऐसा टर्म बने कि उस टर्म का हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब हम लोग क्या करें, एक एक टर्म से इस रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग इस क्वेश्चन में को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देख सकते हैं रूट एक्स है यहाँ पे 3x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स इंटू 3x² प्लस रूट एक्स इंटू 2x प्लस रूट एक्स इंटू 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई करें, अभी इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ 3x² था, फिर यहाँ पे रूट हटाएंगे तो एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रूट हटाएंगे तो 1/2 यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ तो बेस तो ये तो कांस्टेंट था, थ्री कांस्टेंट है यहाँ पे, थ्री को हम लोग आगे कर दिए, यहाँ भी एक्स था और यहाँ भी एक्स था, बेस दोनों का सेम था तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का एक्स ले लिए और इसका 1/2 और इसका क्या लिए 2, तो 1/2 और प्लस 2 को जब ऐड किए तो 5/2, तो 3x^5/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 1/2 यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको आगे कर दिए, यहाँ बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बेस जब सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, जब रूट हटाएंगे तो 1/2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो x^3/2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे x^2 क्या हो गया 1/2, अब यहाँ तो 3 कांस्टेंट था तो आगे यहाँ पे लगा दिए। अब इसका हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि x^n के फॉर्म में आ चुका है सारा टर्म इसका फंक्शन का। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सिंपली किस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। तो 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट को तो आगे कर ही देना, पता है कि कोई फंक्शन में अगर कांस्टेंट टर्म लगा हुआ तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो x^n प्लस 1 बाय n प्लस 1, फिर वहाँ यहाँ पर वही है 2x^n 2 हो गया, x^n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 3 है x^n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5/7 आएगा, सॉरी 2/7 आएगा, और 2/7 जब ऊपर जाएगा 7/2 आएगा, 7/2 आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में था, 3 मल्टीप्लाई में इसको ऐड करेंगे तो 5/2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2, तो x^7/2 हो गया। फिर 2 यहाँ पे है तो 2 इंटू कर दिए, ये 3/2 और प्लस 1 है तो इसको सॉल्व करेंगे 5/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, एक्स है इस दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे 3 हो गया, फिर इस दोनों को ऐड करेंगे 3/2, जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया, एक्स इस दोनों को ऐड करेंगे 3/2 और प्लस सी लास्ट में देना है। अब जब इस दोनों को सॉल्व किए, अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 6 हो गया, 2/7 हो गया, x^7/2 हो गया, फिर 2 2 4 हो गया, 4/5 हो गया, x^5/2 हो गया, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x^3/2 प्लस सी। अब देख सकते हैं ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है, मतलब इसका इंटीग्रल निकल चुका है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया 2x-3cos x प्लस e^x, इसका इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट रूल तो दिया हुआ नहीं, सिंपली अलग अलग टर्म सबको करेंगे और इसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। 2x है तो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, 2 बाहर हो गया, x है तो x^1 है, तो x^n+1, तो 1+1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/2 भी नीचे भी हो जाएगा, 3 -3 है तो -3 दिए, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स है तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, e^x का e^x होता है, बाय सी करेंगे सी हो जाएगा, प्लस सी करेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² रहा, -3 साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है 2x²-3sin x + 5√x, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं कि सब तो सेपरेट टर्म करके सबको तो आसानी से कर ही सकते हैं, क्या कि इसमें तो कुछ आपको ऐसा टर्म दिया हुआ नहीं है कि जिसका कि इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते फार्मूला से, सभी टर्म का हम लोग फार्मूला का यूज करके आराम से इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2x², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² है, हम लोग क्या करेंगे x^n का फॉर्मूला लगेगा, x^n+1, एन प्लस वन करेंगे तो एन की जगह पे 2 है, 2+1 3 हो गया, नीचे भी n+1, तो 2+1 क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे -3 है तो -3 कांस्टेंट टर्म है, तो -3 कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिए, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, तो -cos x हो गया। 5x का क्या होता है, रूट हटाएंगे x^1/2 होगा, तो 1/2 और n की जगह पे 1/2 है, तो +1 तो करना ही है फॉर्मूला के अनुसार, तो 1/2+1 कर दिया, नीचे भी क्या हो गया 1/2+1 हो गया, प्लस सी है तो प्लस सी हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन तो सबका निकल ही चुका है, सिर्फ इसे हम सिंप्लीफाई के फॉर्म में लिख देंगे ताकि देखने में थोड़ा क्या लगे, मतलब अच्छा लगे। तो 2x³/3 -3 cos x, इसे जब सॉल्व करेंगे
तो 3/2 आएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ये 5 × 5 को फॉर्म हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे x है तो यहाँ पे x 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे 3/2 हो गया, प्लस सी है तो प्लस सी हो गया। 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10/3 x^3/2 प्लस सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ sec x ब्रैकेट में है sec x प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म है, तो प्रोडक्ट रूल का तो अभी कोई फार्मूला जानते ही नहीं है, तो हम लोग को इस तरह से इसे कैलकुलेट करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए कि हम उस टर्म को आसानी से इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करके उसका आंसर तक पहुंच सके। तो देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल में है, लेकिन हम लोग इसे जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में से लाएंगे तो sec x को sec x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दिए, sec x को 10x से करेंगे तो sec x * 10x हो जाएगा। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x प्लस sec x * 10x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला फॉर्म में, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो sec स्क्वायर x का 10x हो गया, और sec x * 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो यहाँ पे sec x हो गया, प्लस सी है तो प्लस सी लास्ट में दे देना है कॉन्स्टेंट टर्म के जगह पे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं sec स्क्वायर x / cosec स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है sec स्क्वायर x / cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम ये फंक्शन मान लिए y बराबर sec स्क्वायर x / cosec स्क्वायर x, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो दिया गया है क्वेश्चेंट के फॉर्म में दिया गया है, डिवाइड के फॉर्म में दिया, डिवाइड का अभी तक तो हम कोई फार्मूला पढ़े ही नहीं इंटीग्रेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दिया गया है तो मतलब यहाँ पे कोई वैसा टर्म छुपा होगा कि अगर उस टर्म पे अगर हम लोग पहुँच जाए, उस तरह से कैलकुलेट करें, तो हम लोग जनरली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। तो जनरली हम लोग 9-10 क्लास में देखते हैं कि मतलब ट्रिगो चैप्टर में कि मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो फंक्शन दिया हुआ उसको साइन कॉस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ भी वही करना है, sec cosec है तो इसे भी साइन कॉस में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। sec स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स / cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स / cosec स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स है तो 10 स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है, तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब नहीं पढ़े तो ये किस टाइप से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ फार्मूला यहाँ पे और लग रहा है इंटीग्रेशन ट्रिगो का, तो जानते होंगे कि sec स्क्वायर एक्स - 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स अगर उधर चला गया तो 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स ये प्लस वाला टर्म इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये यहाँ से पता चला कि 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का अभी तक फार्मूला इसका है मतलब नहीं पढ़े हैं, मतलब 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला तो होता नहीं है इंटीग्रेशन में। तो इससे अगर sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज कर दें, तो sec स्क्वायर एक्स का तो फार्मूला पढ़ें कि उसका 10x होता है, तो इसी कारण हम लोग 10 स्क्वायर एक्स को हम इस फॉर्म में लिखें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है क्या चीज़, 10x होता है, और 1 का क्या होता है, x होता है। तो इससे पहले हम लोग सेपरेट कर लें ताकि आसानी से आप लोग को समझा सकें, sec स्क्वायर x यहाँ पे क्या है, 1 को सेपरेट किए, x के रिस्पेक्ट में से करना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, और 1 का तो इंटीग्रेशन पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, x होता है, लास्ट में क्या कर देना, c कर देना कॉन्स्टेंट टर्म की जगह पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन करना है 2 − 3 साइन एक्स / कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चेंट रूल क्वेश्चेंट फॉर्म में है, तो इसका तो फार्मूला जानते हैं कि क्वेश्चेंट फॉर्म में किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है, और इसका आगे पढ़ना भी नहीं इस तरह का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम लोग इसका आसानी से इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर सकें। तो हम लोग जनरली क्वेश्चन नंबर 6-7 के बाद देखें कि मतलब जब इस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, डिवाइड के फॉर्म रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ भी वही ट्रिक अपनाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos²x - 3 sin x / cos²x। तो 2 cos²x और यहाँ पे क्या है, 3 sin x / cos²x। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि 2 cos²x इसका इंटीग्रेशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ 3 कॉन्स्टेंट टर्म था इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, 2 sin x / cos²x।
अब टू कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको इस फॉर्म में इसलिए चेंज किए क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है टेन एक्स होता है। फिर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर है तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म में मतलब इसको भी इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है ताकि हम लोग फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स बाय कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं टेन एक्स और यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स वन बाय कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स। तो इसी कारण हम लोग लिखें यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को टेन एक्स और यहाँ पे क्या लिखें सेक एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है टेन एक्स का होता है। यहाँ पे टेन एक्स लिख दिए यहाँ थ्री था तो थ्री लिख दिए और टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स का होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए सेक एक्स यहाँ पे क्या हो गया प्लस सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इक्वल्स मतलब एंटी डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स किसके इक्वल होगा। तो एंटी डेरिवेटिव बोले या फिर इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोले या फिर इंटीग्रल निकालने के लिए बोले सभी तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का जगह इंटीग्रल का जगह पे एंटी डेरिवेटिव दे दिया गया तो हम लोग इसको फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि सेपरेट टर्म तो है ही कोई प्रोडक्ट और रूल या क्वेश्चन रूल तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग सेपरेट करें तो हम लोग क्या करेंगे रूट एक्स को अलग कर दिए वन बाय रूट एक्स को अलग कर दिए। अब क्या देखिए ये रूट में है तो रूट में को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं रूट जब हटता है तो उसका पावर वन बाय टू चला जाता है तो रूट को हटाएं तो पावर इसका कितना चला गया वन बाय टू चला गया। फिर यहाँ भी है वन बाय रूट एक्स है तो रूट हटाएंगे तो एक्स पावर वन बाय टू होगा लेकिन इस टर्म को जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है पावर क्या हो जाता है माइनस वहाँ हो जाता है। अगर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला तो ठीक है नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए जैसे वन बाय एक्स टू द पावर एम है तो एक्स टू द पावर एम को अगर ऊपर ले चले ले जाएंगे इसका पावर जो है ना इसमें अपने आप माइनस लग जाएगा तो एक्स टू द पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था वन बाय एक्स टू द पावर वन बाय टू थी वन बाय टू को जब ऊपर लेंगे तो क्या हो गया माइनस वन बाय टू हो गया। अब एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन तो वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू और नीचे भी एन प्लस वन तो क्या हो गया थ्री बाय टू। इसमें भी क्या करेंगे एन के जगह पर माइनस वन बाय टू प्लस वन करेंगे तो वन बाय टू और नीचे भी एन प्लस वन करेंगे तो वन बाय टू हो जाएगा। अब ये थ्री बाय टू है जब ये ऊपर चला जाएगा तो टू बाय थ्री हो जाएगा और एक्स टू द पावर थ्री बाय टू है तो एक्स टू द पावर थ्री बाय टू हो गया। फिर यहाँ पे वन बाय टू है तो ये ऊपर गया तो टू हो गया एक्स टू द पावर वन बाय टू है तो वन बाय टू प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 आपका सॉल्व हुआ। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर सच डेट एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज। क्वेश्चन आप लोग को समझना है क्वेश्चन दिया गया है कोई फंक्शन है उस फंक्शन का यदि हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो वो डेरिवेटिव आया हुआ है फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर। बोला गया अगर उस फंक्शन में अगर हम लोग टू रखते हैं तो वो वह जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है जीरो आएगा। तो बताना है कि वो फंक्शन आखिर था कौन। क्लियर समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है डी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर सच डैट f ऑफ टू इक्वल टू जीरो देन f ऑफ x इज। मीन्स ये कि आप लोग को जो है इसमें ये फाइंड करना है कि कोई फंक्शन है f ऑफ x और उस f ऑफ x फंक्शन पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर। जहाँ पर अगर हम उस x उस फंक्शन में x की जगह यदि हम लोग टू पुट करेंगे तो उस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा जीरो आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्वेश्चन में का आंसर कि वो फंक्शन आखिर था कौन वो फंक्शन हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ वहीं से इसका आंसर आएगा डी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर। कोई फंक्शन पे डेरिवेटिव आया आ चुका है फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाय एक्स टू द पावर फोर। एफ ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं y तो यहाँ पे लिखें dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर। अब क्या किए अब हम लोग को फंक्शन फाइंड करना है तो फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव तो निकल चुका है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो वो फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे।
तो क्या किया, डी वाई यहीं पर रह गया और ये डी एक्स उधर चला गया, तो फोर एक्स क्यू माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर डी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का सैम्बोल लगाते हैं। सैम्बोल लगाने के बाद डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन का इंटीग्रेशन कुछ नहीं था, वन है, वन का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई होगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फोर तो बाहर हो गया, एक्स क्यूब है एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो थ्री प्लस वन फोर हो गया, बाय थ्री प्लस वन क्या हो गया, फोर हो गया। माइनस पहले ही बता चुके हैं नीचे में एक्स टू द पावर फोर है, अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की ओर ले चलते हैं ऊपर अगर ये जाता है तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस फोर, तो माइनस थ्री एक्स टू द पावर माइनस फोर, अब प्लस वन लगाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस वन नीचे भी क्या हो गया, माइनस फोर प्लस वन। लास्ट में तो सी देना ही है क्योंकि मतलब क्या है, किस फंक्शन जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में क्या कॉन्स्टेंट रहेगा वो हमें मालूम नहीं है, और जब एंटी डेरिवेटिव निकालते तो हमें फाइंड वो नहीं हो पाता क्योंकि डेरिवेटिव में वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। इस फोर से इस फोर को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो बचेगा एक्स टू द पावर फोर, तो एक्स टू द पावर फोर प्लस यहाँ पे क्या प्लस क्यों हुआ, माइनस फोर और प्लस वन, माइनस थ्री हो गया, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे थ्री है तो थ्री दे दिए, एक्स है तो एक्स दे दिए, माइनस फोर प्लस वन क्या हो गया, माइनस थ्री, और यहाँ क्या हो गया, थ्री हो गया प्लस सी। तो वाई इक्वल टू कितना आया, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू प्लस सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखे क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही आप लोग को बता दिए थे कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, वाई लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे y को y दे या फिर f ऑफ x दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, f ऑफ x फाइंड करना, मतलब f ऑफ x यहाँ पे फाइंड करना, तो f ऑफ x तो फाइंड हो चुका है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे c है तो ये फंक्शन तो फाइंड हो चुका है, कौन सा फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग को फाइंड नहीं कर नहीं पता है, तो c का वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो c का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो c का वैल्यू किस टाइप से फाइंड होगा, c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर जो गिवन दिया हो गया इस गिवन का यूज़ करना पड़ेगा। एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो दिया गया है, इस ई एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो मतलब अगर फंक्शन में एक्स की जगह पे अगर टू पुट कर दें तो आंसर उसका कितना आएगा, जीरो आएगा। तो चलिए फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पर टू पुट करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ था गिवन में एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू प्लस सी। तो फंक्शन में ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोग कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका आंसर जीरो आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो करते हैं, जीरो बराबर एक्स की जगह पे टू, टू टू द पावर फोर प्लस वन बाय टू, पावर थ्री है तो टू पावर थ्री, प्लस सी है तो प्लस सी। जीरो इक्वल टू 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 द पावर फोर का आएगा सिक्सटीन, वन बाय एट प्लस सी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 129 बाय एट आएगा प्लस सी। अब हमें सी का वैल्यू फाइंड करना था, सी को इसी साइड रहने दिए और इसको जो है आरएचएस से एलएचएस की तरफ ले गए, जब साइड को चेंज करते हैं तो उसका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो इधर आया तो क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 129 बाय 8। तो सी का वैल्यू आप लोग को पता चल चुका है, माइनस 129 बाय 8। अब फंक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो फंक्शन तो हम लोग को पहले से ही पता था, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू प्लस सी, लेकिन सी का वैल्यू नहीं पता था, तो सी का वैल्यू हमें इस गिवन से पता चल गया। तो सी का वैल्यू जो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो फंक्शन आ गया एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू और सी का वैल्यू कितना गया, माइनस 129 बाय 8। तो मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन था कौन सा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स क्यू माइनस 129 बाय 8, जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, ए सही है। तो यह आप लोग का एक्सरसाइज 7.1 का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, डिस्कशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप लोग को यह वीडियो में जो क्वेश्चन बताया गया, अगर उससे समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर आप लोग जरूर जाकर देखें प्लेलिस्ट में। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को आप लोग देखें और उसका जितना भी फार्मूला इस चैप्टर में यूज हुआ उस फार्मूला का डिस्कशन किए, उस फार्मूला को भी आप लोग एक बार देख के और उस फार्मूला को कॉपी में नोट करके आप लोग जरूर याद करें, ताकि आप लोग का इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो आप लोग को अच्छे तरीका से समझ आए। क्योंकि जब तक आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इसमें जो फार्मूला यूज हुआ वो क्लियर नहीं होगा तो आप लोग को यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।